वेलकम टू ई सुविद्या क्लास पे आम दशम श्रेणी बहुदेव विज्ञान क्लास रे चक्षु मानव चक्षु और वन जगत संबंध में अध्ययन आम स्टार्ट करें से चक्षु यार आवश्यकता एवं विभिन्न अंश संबंध में धारणा नहीं जथा चक्षु साधारण गोलाकार आकृतिर एक अंग एवं यार केतोटी स्वच्छ पटल जलावरस नेत्रपितुला जहाँ कभी इंग्लीश कहू पुपिल कनिनिका जहाँ कभी इंग्लीश कहू इरिस एवं चक्षु लेंस पचर अच्छी एठे गोटे एक रस थाए जहाँ कौन कह जाए काचा भरस एवं लेंस दुई पार्श्व को एक मांसपेशी धरी रखी थाए जहाँ कह जाए सिलियरी मांसपेशी एवं सभा पछरे किए थाए मुकुरिका जहाँ कह जाए रेटिना एवं सहीठारे ही लेंस द्वारा सृष्ट प्रतिबिंब आसी केन्द्रीभूत हुए एवं जहार संकेत आमर नेत्र स्नायु द्वारा मस्तिष्क को जाई थाए एवं आमे सही वस्तुटीर धारणा निज मस्तिष्क ग्रहण करेणु एठारे आम देखा गले आमर समस्त अंग होती बहुत इम्पोर्टेंट कहार गोटिक बिना चक्षुटी संपूर्ण हो पार ना कि कार्य ठीक से संपादन हो पार ना ताल एम जदि देखा जावा तेल आलोक बाह्य जगतर प्रथम स्वच्छ पटल दे काचा बरस सरी आम जलावरस दे आम नेत्रपीठ पाखे संकोचन और प्रसरण द्वारा अल्पभूत हिसाब से आम प्रवेश क्योंठी ना आम चक्षु लेंस रे चक्षु लेंस आवश्यकता अनुजाई निजर आकार परिवर्तन करी तहार एक सठिक प्रतिबिंब यही काचा रस मध्य क्योंठ सृष्टि करे आमर मुकुरिकार सृष्टि करे एवं से ही मुकुरिकार साधारणत आम कौन हुए ना प्रतिबिंबर जेहेतु यह गोटे लेंस एवं एक उत्तल लेंस तुल्य बास्तव ओलटा प्रतिबिंब आम क्यों सृष्टि हुए मुकुरिकार सृष्टि हुए एवं मुकुरिकार पड़ा मात्र के ये कौन करे ना से आलोकीय अंश को बा आलोकीय प्रतिबिंब को निजर संवेदनशील सेल द्वारा ताकु विद्युत सिग्नल को से विद्युत जो संकेत वैद्युतिक संकेत को से रूपांतरित करे एवं से ही वैद्युत संकेत स्नायु द्वारा स्थानांतरित हुए आम क्योंटी ना मस्तिष्क पाखक तेणु तो साधारण रूप जब आम धारणा ना तो आलोक मुझे कौन पे भलसे शुण आलोक स्वच्छ पटल दे प्रतिश्रुत हो जलावरस दे चक्षुरे प्रवेश करे यार आवश्यक आलोकर परिमाण को किए कंट्रोल करे ना कनिनिका चक्षु पितुला द्वारा नियंत्रण करी चक्षु लेंस को आम जोगाई थाए चक्षु लेंस द्वारा वस्तुर एक बास्तव क्षुद्र ओलटा प्रतिबिंब मुकुरिका उपर सृष्टि हुए लेंस एक बास्तव ओलटा क्षुद्र प्रतिबिंब क्यों सृष्टि कर ना मुकुरिका उपर सृष्टि कर मुकुरिकार आलोक संवेदी सेल आम जाने मुकुरिका क्या कहते कौन थाए से आलोक संवेदी सेल गुड़िक क्रियाशील हो सांगे आक्टिवेट हो क्रियाशील हो विद्युत संकेत सृष्टि करते एक वैद्युत इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब कन्वर्ट करते कौट वैद्युतिक संकेत को से वैद्युत संकेत किए आम रिसीव कर ना नेत्र स्नायु एवं नेत्र स्नायु से क्या जो नहीं दब मस्तिष्क को नहीं दे जाए मस्तिष्क गुण हो कौन यह पाई ओलटा प्रतिबिंब को सी सड़ख करके देखे जानता पे आखि प्रकृत में एक ओलटा प्रतिबिंब सृष्टि करे जहाँ जोटा कि डिटेल जाए क्या पाखु आम मस्तिष्क पाखक कि मस्तिष्क गुण होता सिग्नल को सी ओल्टाई पड़ जान पे सी तो कौन कर ओलटाई से पढ़ तो जहाँ पाख जो आसी ओलटा फटोटी को सी सीधा करल्टे बदल से कौन हो सीधा हो तो एक सीधा फटो आम मस्तिष्क सृष्टि हो एवं मस्तिष्क सृष्टि होता से उल्टा प्रतिमा को सरल कर वस्तुर प्रकृत धारण देवारे सहायक हुए ये आम चक्षुर कार्य तो भलसे पे गोटे धारणा नल एवं आम आए अधिक जाना जो चक्षुर विशेष गुण आम कौन गोटे चक्षु द्वारा आम भू समांतर अंचल 150 डिग्री कोण से ही देखा जदि दुईट आखि भंगा आम जो खोला अच्छी आम दुईटा आखिरी सीधा नहींचे जो तुम यार
परिसर को जानिया को चाहिबो तमे तो अंगूठी आखि आगे गोटे अंगूठी एमि सीधा रखिबो मात्र आखि तमे सीधा रहिबो आखि सीधा रखी तमे अंगूठी को एमि धीरे 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 घुंचेबो तमे डोला बंकिबो नि कि मुह बंकिबो नाही एवं लक्ष्य करिबो तमे केते पर्यंत अंगूठी रो हलिय लक्ष्य भी पारुछ देखिबो दुई पार्श्व रे तमे अंगूठी रो जेतिक अंश तमे कवर करिबो से संपूर्ण हेउची 180 डिग्री मात्र आम जब गोटे आखि को बंद करदे एवं आखि को देखा तो साधारण जोठार अटक से 150 डिग्री कोण सृष्टि आम करूब माने यही सीधारू से कोणटी 150 डिग्री यहाँ 150 डिग्री ही आसो तेनाली गोटे आखि बंद करदे आम भू समांतर भाव में 150 डिग्री कोण ही आम देखिपर या देखिपर ना मतलब दुईट आखि तुम खोलीद संपूर्ण 180 डिग्री आम अंश चक्षुर दृश्य पटल को आसीज एवं द्वितीय कथा हूँ कौन ना देख चक्षुटी आम मुखर सम्मुख भाग में अच्छी देख के जीव जंतु सैड्रे अच्छी गाई देख सैड्रे अच्छी गध सैड घोड़ा मध्य सैड्रे सैड कौन हुए संपूर्ण अंश को देखिपारे शिकारी पशु से संपूर्ण 360 डिग्री से देखिपारे एपटर संपूर्ण अंश डाँ बाम पट मत संपूर्ण अंश कह दुईपटे आखि थाए तो से कैपासीटी साधारण आमठ हो अधिका आमर आवश्यकता ना बोलते से मुझे प्रकृति आम से आमको देना ताल सम्मुखे थवर यह कौन टिके जो आसे मानने जो डेमेरी जे आम केवल कौन करें आम दृश्यर परिसीमाटा 108 डिग्री रे ही अटकी जा पचपटे कौन हम आम देखिपर ना तृतीय जिनस हूँ कौन ना आम के चक्षु पे ना दुईट चक्षु प्रत्येक चक्षु अलग अलग दृश्य सृष्टि करती बाम चक्षु गोटे दृश्य सृष्टि करे देखो डाँ चक्षु गोटे दृश्य सृष्टि करे एवं भरसे यदि मार्क कर बाम चक्षुर जो अंशटी तार सृष्टि भितर आसूसी दृश्य भितर डाँ देख से तार सृष्टि भितर आसूसी दुईट जाकर सिग्नाल आम मस्तिष्क को जाऊँगी किंतु से गोटे पिक्चर उपर आउ गोटे पिक्चर को चढ़ाई आमको देखाए ना केते शीघ्र केते मात्रा सिग्नल को सी बालांस करके गोटे सिंगल चित्र ही से आमको दृश्यमान कराए जो थे कि आम तार उच्चता दूरता वर्ण स्थिति अनेक गुण को आम देखी पारू एवं अन्य चारोटी इंद्रिय द्वारा आम पाई ज्ञानर आम सठिक धारणा करें जापर जो रागवासना रागवासनाटा कह चक्षु देखने कह लंकार कि अगर कौन सी केमिकाल हाथ छुई दौर कहीदे यहाँ गोटे कठिन वस्तु मात्र यहाँ के प्रकार कठिन कौ कठिन ताकु चक्षु न देखने आम जापर ना जेटा पथर कठिन ना काठ कठिन ना लुहा कठिन कि आलमुनियम कठिन कि कौन सीटा जापर पे तेना समस्त इंद्रियर श्रेष्ठ इंद्रिय कह चक्षु को जहाद्वारा आम अधिक मात्रा जिनस ज्ञान आहरण करे कंक्रीटली मुंडे आम रखी पारे तेना पे चक्षुर गठन ता कार्यकारिता विषय आम गोटे धारणा जो पाईगले है भलसे देख मन चेषा कर प्रत्येक अंश को जानव प्रत्येक अंशर कार्यकारिता जानव कंश केउठारे थाए से कौन करे स्नायु आमर नेत्र स्नायु की कार्य करे मुकुरिया की कार्य करे समस्त धारणा तुम निज मस्तिष्क नेब आम नेक्स्ट क्लास देखा जो समायोजन कौन एवं समाज समय धारणा कर चक्षु दोष जानवा पिलाने आज भी हो घर रही ठीक से पढ़ापढ़ी करपरी तुम किसी असुविधा न हुए ठीक अच्छे पिलाने धन्यवाद।